अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं जी? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं। दिस इज़ रिजवान हुसैन शाह फ्रॉम ब्रांड्स एप्लिका स्टोर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डिज़ाइनर ड्रेसेस की मास्टर कॉपी में डील करते हैं और हर दिन हर रोज़ आपके साथ एक नई अपडेट, एक नए आर्टिकल का डिटेल रिव्यू जो है वो शेयर करते हैं, उसको डिटेल में शो करते हैं और आपको सेम एज़ वीडियो ही डिलीवर किया जाता है। तो जैसे जैसे वेडिंग सीज़न जो है वो करीब आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे पास डिमांड भी आ रही है, तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स मारिया बी के या कुछ और ब्रांड्स के जो कि बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं वो हम रीस्टॉक कर रहे हैं। तो इसी में से ही एक ये आर्टिकल आपके लिए दोबारा रीस्टॉक किया है हमने और इसकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, हमने इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस आर्टिकल की, लेकिन इससे बेहतर क्वालिटी आपको अभी तक किसी ऑनलाइन सेलर ने शो नहीं की होगी। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। ये आर्टिकल बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है और आजकल जैसे निकाह के लिहाज से काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड आ रही है कि कुछ सिंपल सा हमें ड्रेस दिखाएं जो कि निकाह के इवेंट के लिए हम स्पेसिफिकली वेयर कर सकें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की वीडियो शो करने जा रहा हूँ और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी। तो चैनल जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी वेट, सबसे पहले जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसका फ्रॉक। नीचे जो मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ है वो शमोस का है, ये वाइट कलर है। आप इसको ऑफ वाइट टोन में भी ले सकते हैं, जैसे आपने कलर की जो मॉडल पिक्चर देखे हैं तो थोड़ा सा क्रीम वाइट कलर जो है वो मॉडल ने इनर यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से इस तरह की शेड आ रही है। तो मैंने वाइट यूज़ किया है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इनर इस ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं होता, ये जस्ट आपको कलर वाजिया करने के लिए बिछाया गया है। अब जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसके फ्रॉक का फैब्रिक। तो ये जो फैब्रिक है ये आपको ऑर्गेन्जा पे मिल रहा है, ये देखें। और गेंजा ये जो स्टाइल है ये लॉरेक्स स्टाइल बोलते हैं इसको, ये आपको कॉटन में भी मिलता है, ये आपको शिफॉन में भी मिलता है और ये चीज़ जो मैं आपको अब शो कर रहा हूँ ये ऑर्गेन्जा पे है। तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें जो शाइनिंग जो एक सिंपल रिबन सा यूज़ किया हुआ है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको प्रॉपर जो है वो स्टिच करके पहनते हैं। तो ये टोटल जो फैब्रिक है ये तकरीबन 4 गज़ के ऊपर ही होगा, 4 गज़ से कम नहीं होगा जो इसका फ्लेयर बनेगा फ्रॉक का। अब ये क्लोजअप करके आप देख लें, इस पर सारा जो वर्क हुआ हुआ है ये सब चीज़ आपके सामने है। बहुत लाइट फैब्रिक होता है जो ऑर्गेन्जा लॉरेक्स, हमेशा जो आमतौर पर मार्केट में भी आपने ये फैब्रिक देखा होगा, बहुत लाइट वेट फैब्रिक होता है और बहुत अच्छा होता है, यानी कि बिल्कुल भी ऑर्गेन्जा वाली इसमें फील नहीं आती, इसमें शिफॉन वाली फील आती है। 4 गज़ का टोटल फ्लेयर इसका बनेगा फ्रंट और बैक का, जो कि मैं आपको फैब्रिक इस वक्त शो कर रहा हूँ। ये सेम लाइक मॉडल पिक्चर है जो कि इस वक्त मैंने आपको शो कर दिया है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसकी यॉक, यानी कि फ्रंट और बैक इसकी बॉडी आपको जो मैं शो करने जा रहा हूँ वो हम दे रहे हैं ऑर्गेन्जा पे। इसमें जो स्टाइल आया है वो कंप्लीट आपको जो मिल रहा है पन्नी वर्क पे मिल रहा है। अब जो क्वालिटी की मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में वो ये कह रहा था कि आपने इसकी रेप्लिकास काफ़ी देखी होंगी, हो सकता है कि जो ऑर्गेन्जा है वो आपको लगे कि सेम उसी रेप्लिका की तरह है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन ये जो पन्नी वर्क जो हमने इस पर करवाया है मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो क्वालिटी इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रही है ये आपने पहले नहीं देखी होगी। क्योंकि आम तौर पे पन्नी वर्क अगर आप देखें तो यहाँ पे जो थ्रेड होता है उसके साइड से भी आपको एक रफ़ लुक आ रही होती है उस चीज़ की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी एक क्वालिटी का म्यार है हमने इस चीज़ पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे पास जितनी क्वालिटी आती है ख़ास तौर पे पन्नी वर्क की, सेम इस तरीके से होता है जैसे कोई थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी है, इतना नीट इस पे सारा काम होता है। और ये देखें ये सारा सेम लाइक ओरिजिनल सीक्वेंस का काम है जैसे ओरिजिनल का था। तो ये मैं आपको फ्रंट इसकी बॉडी का स्टाइल जो है वो शो कर रहा हूँ और ये आपको इसकी बैक साइड इस तरीके से प्लेन मिल रही है। तो इस तरीके से ये आप बिछा देते हैं, इसके ऊपर जो नेक लाइन आएगी मैं आपको वो दिखाता हूँ। फुल हैंड एम्बेलिश्ड इसकी नेक लाइन है और बड़ा प्यारा जो है वो इसका एक स्टाइल बनता है। ये देखें जी, ये नेक लाइन आपकी इस तरीके से पेस्ट हो जाएगी। ओवरऑल वाइट कलर है और बहुत अच्छी इसकी माशाल्लाह लुक है, बड़ा डिसेंट ड्रेस है। फ्रॉक इसका बनेगा बहुत प्यारा बनेगा। ये पीछे आप देख सकते हैं ये हर चीज़ धागे से लगी हुई है, ठीक है, कोई इसमें पेस्ट वाला काम नहीं है ताकि बाद में आपको लगे कि ये जितने नग वगैरह लगे हैं ये उतर सकते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इंशाल्लाह जो चीज़ आपको शो कर रहे हैं वही डिलीवर करेंगे और एक आला क्वालिटी और आला मियार के साथ डिलीवर करेंगे। ये मैंने आपको इसकी यॉक शो कर दी है फ्रंट बैक की, ये मैंने फ्रॉक शो कर दिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ कि अगर आप फ्रॉक देखें तो ये स्ट्रिप्स आपको फ्रॉक के अंदर नज़र आ रही होंगी, तो ये भी हम इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको मिल रही है कंप्लीट एम्ब्रॉयडर्ड पन्नी वर्क के साथ। ये देखें जी, ठीक है, ये कंप्लीट इसका पैच है, यानी कि जिस तरीके से आपकी जो फ्रॉक की लेयर्स बनेंगी उसी लेयर्स पर
आप इसको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसकी जो लुक है वो बड़ी प्यारी निकलती है जब फ्रॉक स्टिच होता है। तो इस तरीके से जी ये आपको इसके साथ मिल रही है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसके बॉर्डर्स के पैच। आप ज़रा क्लोजअप करके भी आप देख सकते हैं जो पैच है वो आपको कटवर्क के साथ, यानी कि जो मॉडल ने पहना है उस पर कटवर्क है। तो हम भी आपको वही पैच प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके साथ कटवर्क जो है वो आपको मिल रहा है। तो ये देखें जी, ऑर्गेन्जा पे पैच है और ये फुल सीक्वेंस जो है वो एम्ब्रॉयडरीज पे करवाई हुई है और ये सारा पन्नी वर्क है। ठीक है, ये आप पैच की खूबसूरती देख लें। और ये जो पैच है इस वक्त ये मैं आपको शो कर रहा हूँ सिर्फ फ्रंट का, तो आपको ज़रा फ्लेयर का भी आइडिया हो जाएगा। ये देखें जो टोटल इसका फ्लेयर है वो इस कदर बनेगा। ठीक है, यानी कि अच्छा एक सेटिस्फैक्ट्री फ्लेयर है, ये कम नहीं होगा। तो अच्छा मतलब जो एक आइडियल फ्लेयर में एक जितना फ्लेयर आता है कपड़े का उतना ही आपको हम प्रोवाइड करें। तो ये जी फ्रंट का था और ये आपको बैक साइड का पैच मिल रहा है, यानी कि जो फ्रंट के पैच में है वो पन्नी वर्क है और ये जो बैक का पैच है ये आपको इस तरीके से कटवर्क के साथ ही मिल रहा है, लेकिन इसमें पन्नी वर्क ऐड नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये दो पैच भी आपको हम दे रहे हैं, फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, कटवर्क यानी कि जो लेज़र कट होता है वो करवाया हुआ है और सीक्वेंस का काम है। नेक्स्ट जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसके स्लीव्स, और स्लीव्स भी आपको कंप्लीट पन्नी वर्क में दे रहे हैं। ये देखें जी, ये सारा पन्नी वर्क है, दोनों स्लीव्स पे आपको सेम स्टाइल में जो है वो एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल मिल रहा है पन्नी वर्क के साथ। अब आप अगर पिक्चर देखें तो पिक्चर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैच जो है वो मॉडल ने वेयर किया हुआ है, यहाँ पे कलाई पे आएगा। और इस पैच की जो एम्ब्रॉयडरी के कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं, और ये पैच आपने इससे अच्छी क्वालिटी में पूरी मार्केट में नहीं देखा होगा जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट इसमें सारी रेशम की एम्ब्रॉयडरी है पैच में, और कलर्स आप देख लें, ग्रीन है, पिंक है और मजेंटा सा कलर है, बड़ा प्यारा कलर्स जो है वो यूज़ किए हुए हैं। और ये पैच जो है ये स्लीव्स पे एप्लीक होगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। पन्नी वर्क की आप सफाई देख लें कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल एक ड्रेस निकाल के उसकी वीडियो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितनी क्वांटिटी में ये चीज़ पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पैचेस, सबकी फिनिशिंग क्वालिटी, हर चीज़ आपको सेम मिलेगी। तो ये जी मैंने आपको जो पैच शो किए हैं वो इसके स्लीव्स के हैं। ये दोनों स्लीव्स की एजिंग इस तरीके से आपको प्रोवाइड करें। लास्ट में जो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ वो है इसका दुपट्टा, और दुपट्टा आपको इसके साथ मिल रहा है ऑर्गेन्जा पे, लेकिन ऑर्गेन्जा बड़ी जो है वो एक कह लें कि हाई प्रीमियम क्वालिटी की ऑर्गेन्जा है। ये देख लीजिए, कॉपर गोल्ड आप कह लें कि इसके दुपट्टे का जो फैब्रिक का कलर है वो कॉपर गोल्ड है। और ये क्लोजअप करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कॉटन ऑर्गेन्जा भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक स्ट्रिप है ये आपको ऑर्गेन्जा की फील दे रही है, सेकंड जो इसमें लाइन है ये आपको कॉटन नेट की फील दे रही है। तो यानी कि एक मिक्स फैब्रिक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अकड़ा हुआ है, इजीली एडजस्टेबल फैब्रिक है। ठीक है, तो ये जी दुपट्टे का मैंने आपको मटेरियल शो कर दिया है, कलर शो कर दिया है। अब इसके दुपट्टे के इंतहाई खूबसूरत पैचेस हैं, और ये आप पैचेस की फिनिशिंग देख लें, ये देखें। ठीक है, ये फोर साइडेड बॉर्डर पट्टी है और ये सारा रेशम वर्क है, जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच आपको मिल रहे हैं दुपट्टे के, ये फोर साइडेड बॉर्डर पट्टी चारों तरफ दुपट्टे के इस तरीके से आ जाएगी। और ये आपका एक इंतहाई एलिगेंट, इंतहाई खूबसूरत ड्रेस बनेगा, और ये सेम लाइक मॉडल पिक्चर इस तरीके से रेडी होगा। ये जितनी डिस्क्रिप्शन लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह सेम लाइक मॉडल पिक्चर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। ये मारिया भी ने जब एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन में लॉन्च हुआ था ये आर्टिकल, तो तकरीबन 18,000 से 20,000 का था, लेकिन आज की अगर वैल्यू के साथ कंपेरिजन करें तो वो 26,000 से 27,000 बनती है, जबकि ये आपको आज की प्राइस में और सेम ओरिजिनल की क्वालिटी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट ₹9,500, 9,500 में फ्री डिलीवरी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल है। ये एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, ख़ास तौर पे निकाह के फंक्शन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो 9,500 में फ्री डिलीवरी के साथ, कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये आर्टिकल प्राइस, इसका डिटेल रिव्यू आपको बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।